हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती जयश्री जायसवाल और ये वीडियो क्लास 11th के मैथ्स और कॉमर्स प्लस मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। पहले दो वीडियो लेक्चर में हम सेट्स के डेफिनेशन मतलब समुच्चय की परिभाषा, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। सेकंड वीडियो लेक्चर में हम समुच्चय को लिखने के अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम तीन नए टॉपिक पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चय का संघ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चय का सर्वनिष्ठ और डिफरेंस ऑफ सेट्स समुच्चयों का अंतर। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन जब हम लेते हैं किन्हीं भी दो सेट्स के लिए, तब हमको ए और बी दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को यूनियन में लेना है, लेकिन जो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसको केवल हम एक बार लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ए एक सेट है जिसमें पांच एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, और बी दूसरा सेट है जिसमें भी पांच एलिमेंट हैं ए बी सी डी और ई। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी या समुच्चय ए और बी का संघ। अब जब इसमें हम एलिमेंट लिखेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेना है हमको, ए ई आई ओ यू। अब ये ए के हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब जब हम बी के एलिमेंट लिखेंगे तो ए पहला एलिमेंट ये आ चुका है, जो एक बार आ चुका है यूनियन में उसको दोबारा नहीं लिखना है दूसरे एलिमेंट से, बी सी और डी। ई पहले ही आ चुका है इसलिए ई को भी अब हमको नहीं लेना है। तो ए यूनियन बी निकालते समय ए और बी के दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को हमको रिपीट नहीं करना है। कोई भी एलिमेंट केवल एक बार यूनियन में आ सकता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि सेट ए और बी में हमको इस फॉर्मेट में नहीं देते हुए दूसरे तरीके से हमको सेट की डेफिनेशन दे रखी है। ये दोनों टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये अलग अलग एलिमेंट्स को दिखाने वाला सारणीबद्ध रूप है यानी रोस्टर फॉर्म है। तो इस एग्जाम्पल में अब हमको दूसरे तरीके से सेट की डेफिनेशन दे रखी है, एक्स इज डिवाइजर ऑफ 12, एक्स 12 का विभाजक है। दूसरा सेट बी जो दिया है वो है x इज़ डिवाइज़र ऑफ 18, x 18 का विभाजक है। तो यूनियन लाने से पहले हमको इन दोनों के इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, एलिमेंट हमको अलग अलग इसके दिखाना पड़ेंगे। तो लिखते हैं, अब हम a 12 का डिवाइज़र है तो 12 के जितने डिवाइज़र हैं वो सब हमको लेना है, 1 2 3 4 6 और 12। इसी तरह से B, इसमें 18 के डिवाइज़र हमको लेना है तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हम इसका यूनियन ले सकते हैं, A यूनियन B। ये मैंने ऊपर भी बताया है कि A और B के सभी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूनियन में नहीं आएगा। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि हम ए के सारे एलिमेंट्स को पहले लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 1, 2, 3 पहले आ चुके हैं, 6 पहले आ चुका है, तो 9 और 18, ये ए यूनियन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट समुच्चय का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब समुच्चय के सर्वनिष्ठ को इन्हीं दोनों उदाहरणों से अब हम समझेंगे। जैसे कि ए और बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, अब हमको इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों सेट में है केवल वही एलिमेंट लेना है, और वही बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी कि सर्वनिष्ठ। तो हम देख रहे हैं कि ए दोनों सेट में है और ई ये भी दोनों सेट में है, तो केवल यही दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ई। इंटरसेक्शन को हम
इस साइन से डिनोट करते हैं, उल्टा यू जैसा दिखाई देता है ये। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी के लिए, अब हम इन दोनों सेट में देखते हैं, वन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, टू दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, थ्री दोनों सेट में कॉमन है और सिक्स दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। तो अब इंटरसेक्शन में वन टू थ्री और सिक्स ये चार एलिमेंट आएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। इन्हीं दो एग्जांपल्स से हम इनको भी समझेंगे। अब आप ये देखिए कि ए और बी जो दो सेट हमको दे रखे हैं और हमको फाइंड करना है ए माइनस बी। अंतर दो तरीके से लिखा जाता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। दोनों को फाइंड करने का तरीका एक ही है। यदि हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये करना है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको डिलीट कर देंगे। तो ए ये कॉमन एलिमेंट था, ई ये दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। इन दोनों को हटाने के बाद अब हम ए माइनस बी लिख रहे हैं। ए माइनस बी में ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं आई ओ और यू, ये तीन एलिमेंट आएंगे। और यदि हम बी माइनस ए फाइंड कर रहे हैं तो बी माइनस ए में बी के जो बचे हुए तीन एलिमेंट हैं बी सी और डी, ये तीन एलिमेंट बी माइनस ए में आएंगे, बी सी और डी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल के लिए यदि हम ए माइनस बी निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमको कॉमन एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा, वन उसके बाद टू थ्री और सिक्स। तो अगर हम ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं तो ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो आएंगे, मतलब फोर और ट्वेल्व। और यदि हम बी माइनस ए फाइंड कर रहे हैं तो जो बी के बचे हुए एलिमेंट हैं नाइन और एटीन, वो दोनों इस सेट में इंक्लूड होंगे। ए माइनस बी हमारे पास आएगा फोर और ट्वेल्व, जबकि बी माइनस ए इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास नाइन और एटीन। इसके आगे के क्वेश्चन करने के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम भेज रहे हैं पीडीएफ में, उनको आप सॉल्व करके देखिए। थैंक यू।